क्या ईशा बताएगी सभी से ईशान का सारा सच? वेल टीवी दुनिया की मोस्ट पॉपुलर सीरियल गम है किसी के प्यार के आने वाला एपिसोड बेहद दिलचस्प और शानदार होने वाला है, क्योंकि जहां आपको एक तरफ देखने को मिलेगा कि कैसे सभी धोरवा की बातें सुन लेती है और उसके बाद वो बेहद परेशान रहने लगती है, और वहीं दूसरी तरफ आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे सभी पता लगाने की ये कोशिश कर रही है कि आखिर उसका बर्थडे ऑर्गेनाइज सच में क्या ईशान सर ने किया था। वेल तो चलिए देखते हैं सीरियल के लेटेस्ट शार्क में क्या कुछ नया होने वाला है। हालांकि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से धोरवा की बातें सभी चुपके से सुन लेती है और उसके बाद वो बेहद परेशान रहने लगती है, क्योंकि धोरवा की बातें सभी के मान सम्मान पे चोट कर देती है और वो अपने मान सम्मान पे जो बात चोट करे उसे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसके बाद वो सच पता लगाने की कोशिश करी है लेकिन उसे कोई कुछ भी नहीं बता रहा। लेकिन हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से धोरवा के मन में सभी को लेके प्लान चलते रहता है कि उसे किस तरीके से ईशान के सामने बेइज्जत करना है, झूठा साबित करना है और उसे किसी भी हाल से कॉलेज से आउट करना है। वेल इस सीरियल का लेटेस्ट ट्रैक सामने आ चुका है और ट्रैक में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से सभी अपनी बहन यानी हरनी के पास कॉल करती है, कॉल करके पूछती है कि क्या सच में ईशान सर ने ये इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था, जिसके बाद वो भी कुछ नहीं बताती है। फिर सभी अपने ईशा मैम के पास बहुत उम्मीद लेके कॉल करती है लेकिन ईशा मैम भी उसको कुछ नहीं बताती हैं और बातों ही बातों में उसे घुमा देती हैं। लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सभी को ये सच्चाई ईशान की जुबानी पता चलेगी, क्योंकि ईशान सभी से गुस्सा है और वो भी सिर्फ और सिर्फ बाजीराव की वजह से, क्योंकि बाजीराव पार्टी में आ गया था और जिसके वजह से वो ये नहीं चाहता था कि सभी के बर्थडे में बाजीराव आओ, कहीं क्योंकि ईशान को कहीं ना कहीं सभी से प्यार होने लगा है और बाजीराव को सभी के आसपास करीब देख उसे जलन हो रही है। लेकिन ईशान इस बातों को खुद से ही छुपा रहा है और खुद से ये झूठ बोल रहा है कि नहीं, उससे बाजीराव के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ सभी का फिक्र इसलिए करता है कि ताकि कहीं वो IAS ऑफिसर का बनने का जो सपना देखी है वो उसका अधूरा ना रह जाए। लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प है किस तरीके से ईशान इस बातों को खुद एक्सेप्ट करेगा कि वो सभी से कहीं ना कहीं प्यार करने लगा है। वेल इस वीडियो पे आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसे अपनी फेवरेट सीरियल के अपडेट जानने के लिए देखते रहें फिल्म बिट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।